गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे, री की मात्रा के जो शब्द हमने पढ़े थे उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आज हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा था, री की मात्रा के शब्द। आज हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मात्रा लगाकर सही शब्द लिखे। मात्रा लगाकर क्या लिखना है, सही शब्द लिखना है। मात्रा लगाकर सही शब्द लिखना है। हृदय, तो सही शब्द क्या होता है, हृदय। हृदय। कृपाण, सही शब्द क्या होता है, कृपाण। कृपाण। कृषक, सही शब्द क्या होता है, कृषक। क्या होता है, कृषक। ओके, तो इसका सही शब्द क्या होता है, हृदय। इसका क्या होता है, कृपाण। इसका क्या होता है, कृषक। तो इसमें हमको क्या करना था, मात्रा लगाकर सही शब्द लिखना था। मात्रा लगाकर क्या करना था, सही शब्द लिखना था। ओके, तो इसमें हमने क्या लिखे, री की मात्रा लगाकर इन शब्दों को सही लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्दों को सही चित्र से मिलाते हुए सही अर्थ से मिलाइए। क्या करना है, इनको पहले सही चित्रों से मिलाना है, फिर क्या करना है, सही अर्थ से मिलाना है। ओके, ये क्या है, वृषभ। वृषभ, कृषक, कृषक। मृग, मृग। अब इनको क्या करना है, इनके अर्थ से मिलाना है। क्या करना है, इनके अर्थ से मिलाना है। तो ये क्या है, बैल। क्या है, बैल। ये क्या है, किसान। और ये क्या है, हिरण। तो ये क्या मिल गए, इनके शब्द से मिल गए। पहले क्या किया हमने, शब्दों को उनके चित्र से मिलाया, और फिर क्या किए, उनको उनके अर्थ से मिलाया। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, पहले शब्दों को सही चित्र से मिलाना है, और फिर उनको उनके अर्थ से मिलाना है। क्या करना है, उनके अर्थ से मिलाना है। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ क्या होता है, पेड़। क्या होता है, पेड़। वृषभ, वृषभ का अर्थ क्या होता है, बेल। क्या होता है, बेल। कृषक, कृषक का अर्थ क्या होता है, किसान। क्या होता है, किसान। ओके, मृग, मृग का अर्थ क्या होता है, हिरण। क्या होता है, हिरण। मृग का अर्थ क्या होता है, हिरण। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनको पहले इनके शब्दों को सही चित्रों से मिलाना है, और फिर उनको इनके अर्थ से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र देखकर कहानी पूरी करें। चित्र को देखकर क्या करनी है, कहानी पूरी करनी है। एक के नीचे ऋषि बैठे थे। किसके नीचे बैठे थे, एक, एक वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे, नीचे ऋषि बैठे थे। अगला क्या है, उनके आश्रम में मृग तृण चरते थे। कौन चरते थे, मृग तृण चरते थे। अगला क्या है, ऋषि, ऋषि आकर उनका आदर करते थे। ऋषि आकर उनका क्या करते थे, आदर करते थे। पास में ही एक कृषक, कृषक का मतलब किसान, कृषि करता था।
कृषक क्या करता था, कृषि करता था। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है। पहले आपको क्या करना है, री की मात्रा के शब्दों को बार बार अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, बार बार इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से समझना है। फिर ये जो खेल खेल में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और फिर इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।